गेट खोलो, ओपन द गेट खोलो भाई। We have been democratic throughout the struggle. We know that these people have made attempts before to provoke us, to make this struggle seem like it is violent, that some sections of the students are trying to lead this struggle. We will show them today that we are much more democratic, much, we are believers in equality, and we will show them how our democratic struggle is. And let's take a look at our मेन गेट छोड़कर बाकी सब गेट में बंद करना है और मेन गेट में स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स को जाना है. Restricted only to the members of the university. But we will not allow किस किस को उसमें मैं तो बैठूंगा ना, मीडिया पर्सनल में नहीं, पॉलिटिकल ग्रुप्स में नहीं, एक्सटर्नल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं नहीं हूँ और पॉलिटिशियन भी मैं नहीं हूँ. मैंने तो पार्टी बिटी छोड़ दी है, कोई पार्टी नहीं है थोड़े दिन में, तो मुझे तो जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है. मेरे जैसे कार्य ऑर्डर आया मैडम आए तो ऐसा नाम से आया है क्या जी? उनको कैसे मालूम है? नाम वाला ऑर्डर लूटो 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 है मैडम, लूटो नाम वाला ऑर्डर दिखाइए मेरा माता, लूटो लूटो. ఎవరు చెప్పారు నామ వాళ్ళ ఆర్డర్? పేరు చెప్పు, ఆ పేరు చెప్పు. పిడివి రావు గారు చెప్పారు కనుక్కో, మరి నామ వాళ్ళ ఆర్డర్ పిడివి గారు చెప్పారు కనుక్కో. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ నామ ఆర్డర్ ఆర్డర్ చూపి, పేరుతో ఆర్డర్ చూపి తీసుకోండి తర్వాత. टीवी ना गेट ऑर्डर चुपी मेरे यहाँ है तो वहाँ जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा करके तो यूनिवर्सिटी हंसी बना रही है. कमोट So the whole day the gate is closed? No, no, no. Now only that's closed. Madam, if you can come and go out. Otherwise it was open. Yeah. Wantedly there only. They get the information before we decide. तो बाकी स्टूडेंट्स तो अंदर आते जाते हैं. अभी बंद करा मैडम, अभी बंद करा, अभी बंद करा. अब आने के अरे कमाल है, उधर से भी आ सकते हैं. तो प्रेस वाला आ जाए थे. नो नो, टू डेज, टू डेज बैक. आउटसाइडर्स को हेलो नहीं है? आउटसाइडर्स किसको? सबको नहीं. मैं तो इस यूनिवर्सिटी में कई बार आके भाषण देके गई हूँ. पहला था मैडम, पहला पास देके भेजा, अभी नहीं है. नहीं, पहले पास कभी नहीं दिए थे? पास भी कभी नहीं दिए प्रोफेसर के साथ आकर यहाँ बैठे. जब जब था मेरा लॉजिस्टर वाले, अभी मेरा साथ मना कर रहे हैं, नहीं भेजना बोलते हैं. रजिस्टर साहब से भी कौन मैंने Who is the minister? Lord Mamprah. Land Minister. Register. Lord Mamprah. Company. Hindi Samala. Sir, school door open. Sir, wait here, sir. Hey, wait here, sir. Boy, wait here. Man, order nae mana. Wait here, lege. Order nae mana. Jupi order nae. Wait here, boy. Wait here, lege. Man, order nae. Jupi mari. Jai 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 Na Bol. गवर्नर नायडू जी रहने तो कॉपी है. लाइट है, मैं इस पर लिखती हूँ ना. ओके ओके, उनको लिखती हूँ कॉपी. ये इसी एक लेटर पर आप रुक रहे हैं ना? हाँ, और तो कुछ नहीं है. ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना तारा जी. ऐसे तो एडॉक लिए इरेशनली नहीं कर सकते.
बाबा साहेब अम्बेडकर कौन है पूछना पड़ेगा। दीदी दीदी आप छोटी गेट से आप एक जाइए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐश करो, ऐश करो। आप लोग किधर? ऐश करो, ऐश करो। किसको? ऐश करो, ऐश करो। 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 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सिक्योरिटी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं लाभ लगा लाले, बाबू, ఇప్పుడు మీ ఆట చూపించండి లేదు మీ మనసు ఎట్లా आप जेल में कि हम जेल में अब्बा राव जी भी जेल में दिख रहे हैं पसंद कर रहे हैं कमाल है शर्मजनक बात है क्या ऐसे यू रहा है कि जब मैं आई हूँ तो क्या है इसमें कोई है ना उस लेटर में दम तो इसमें तो जिन जिन को मना है उसमें मैं तो बैठती नहीं कैटेगरी में मीडिया पर्सनल नहीं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं और कौन सा है पॉलिटिशियंस में नहीं हूँ मैं आज तो नहीं हूँ तो पता नहीं किस आधार पर इसको चैलेंज किया नहीं कोर्ट में नहीं चैलेंज बहुत ही गंभीर बात है ये यूनिवर्सिटीज को बैटल ग्राउंड्स बनाने पे तुले हुए हैं और ये युद्ध खेलना ही पड़ेगा ऐसा दिख रहा है अहिंसा की रक्षा लेकिन तो अभी बात कर रही थी कि जो आपके फैकल्टी मेंबर्स भी जितनी भी संख्या में आपके साथ हैं और आपने जो एक पूरी विद्यार्थियों की एम्पावरमेंट का एक दर्शन दिया है प्रदर्शन नहीं केवल किया है वो बहुत अद्भुत है रोहित ने पता नहीं इतनी सोच कर दीर्घ दृष्टि से वो शहादत का कदम उठाया कि नहीं लेकिन उसने सही में कमजोरी से तो नहीं किया है उसकी माँ के कहने के अनुसार भी बहुत ताकत और हिम्मत के कारण वो कदम उठाया आज सभी किसानों की जैसे हत्या ही हो रही है आत्महत्या नहीं है वैसे रोहित के बारे में भी कहना पड़ेगा कि ये हत्या ही रही है स्मृति ईरानी और दत्तात्रेय जी का जो भी रोल और भूमिका होगी आज तो पूरी सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार और उनके परिवार की पूरी बनी बनाई साजिश दिख रही है इससे कम कुछ नहीं हमको भी सोचना चाहिए कि हमें इस प्रकार के अस्मिता के मुद्दों पर ही लड़ते रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और जो इतने सारे मुद्दे हैं शिक्षा नीति के ही अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षा है बंद हो रही है तमाम उर्दू तेलुगु स्कूल्स बम्बई के बस्तियों के भी नहीं चल रही है मैं अभी बता रही वहाँ से लेकर मतलब हर क्षेत्र में जिस प्रकार से पॉलिसीज पूरी अन्यायपूर्ण और विषमतावादी है उसमें और जाति और मजहब को एक घुसपैठ करवा कर उस पर भी और विभाजित करके फिर अपनी अपनी वोट बैंक्स बनाना
ये बहुत ही घृणात्मक और विभत्स साजिश दिखती है, इसको तो सहन कर ही नहीं सकते, लड़ना पड़ेगा और लड़ भी रहे हैं लोग। लेकिन आप विद्यार्थियों ने और युवाओं ने जिस प्रकार की एक ताकत बनाई है, आपके सबके पालक पेरेंट्स को शिक्षा से आगे की भविष्य की चिंता होगी ज़रूर, जिसमें अभी कुछ गार्डियंस में से ही बैठे थे मीटिंग में, लेकिन आपने एक युवा शक्ति का दर्शन जो हर जन आंदोलन में होता है वो जितनी तैयारी के साथ दिया है, सही में उसको हम लोग सलाम करते हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ क्योंकि मैं HCU में तो नहीं आई, पर हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तमाम साथीगण, संदीप भाई यहाँ आके गए हैं, राजू गारू यहाँ है, पर जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, विशेषतः JNU में ज़रा अधिक जाना होता है हर 2-3 महीने में, और रात को मध्य रात्रि के पार चर्चा और सवाल जवाब से एक अंदाज़ आता है कि देश के कितने मुद्दों पर चिंता करते हैं आप सब लोग। मैं HCU को भी जानती हूँ क्योंकि हिमांशु उपाध्याय और आज मेरे साथ जो मीरा है, पहले श्रीकांत करके आप जानते भी होंगे शायद, तो वो सब लोग यहाँ से निकलते हुए हमारे आंदोलनों के हिस्सा बन गए हैं, तो इसलिए HCU के तमाम हकीकतों पर उनकी नज़र रहती आई है। और अभी जो भी हुआ, मैं नर्मदा में बहुत ही जीने मरने का सवाल खड़ा है, इसलिए हम ही लोग बहुत निराश तो नहीं पर बहुत दर्द भरे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं तो आ भी नहीं पाई आज, जैसा मौका मिला किसान स्वराज सम्मेलन वालों ने आने का जाने का तो यहाँ, पर ये देख रही हूँ कि दलितों को आदिवासियों को ही नहीं, आज बहुत बड़े वर्ग को जो वंचना शिक्षा क्षेत्र में भुगतने पड़ी है, वो भुगतने वालों ने भी अगर कोई सवाल खड़े नहीं करने हैं व्यवस्था और नीति के बारे में, तो कौन करेंगे शिक्षा के सवाल खड़े। तो ऑक्यूपाई UGC से लेकर आप सब लोगों का ये आंदोलन हम सबको बहुत प्रेरणादायी लगता है, क्योंकि हरदम हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आंदोलन खड़ा नहीं होता है, जबकि हम लोग जीवन शालाएँ चलाते हैं नर्मदा घाटी में, हजारों बच्चे पास हो गए, व्यवस्था को एक प्रकार से चुनौती देते हैं, वैकल्पिक शिक्षा पर लिखते करते काम रहे हैं, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अलग अलग मोर्चों का नाम लेकर एक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून करते हुए जो एक बहुत ही विकृत नीतियों को थोपा जा रहा है, व्यापारीकरण वाली, कंपनीकरण वाली, उसके खिलाफ जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई UGC, वैसे ऑक्यूपाई पूरी स्पेस फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इतना व्यापक मुद्दा लेकर युवा खड़े हो जाए इस देश में, हम सब लोग आपका नेतृत्व स्वीकारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप में बहुत ऊर्जा है, ताकत है। हम सब लोग तो आज सोशल मीडिया के बाहर कम अधिक ए सोशल लोग रह गए, हम तो चाहते हैं कि एक नया आप में से ही नेतृत्व इन तमाम मुद्दों को जोड़ कर, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार पहले JNU में ऑक्यूपाई UGC और बाद के रैली में पेश आई, उससे और वैसे ही करीबन बदतर रूप से यहाँ पेश आई, रोहित को अन्यथा जाना पड़ता ही नहीं, उसके माँ भी इतनी हिम्मत वाली दिखी मुझे तो रोहित क्या होगा, लेकिन एक व्यवस्था से टकराव लेते लेते एक घृणा आ जाती है, केवल निराशा नहीं, ऐसी स्थिति उसके मन में तैयार हुई होगी, ये माफ करना पर व्यक्तिगत भी मैं आज महसूस करती हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था हम झुकते नहीं उसके सामने, पर आज वो झुकती नहीं, इतना ही नहीं वो अधिकाधिक विकृत रूप से पेश आ रही है। आज न्यायपालिका के अंदर जो घुसपैठ है, इसलिए ये छोटी सी चिट्ठी चैलेंज करने के बाद भी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करने के बाद पूछ रही हूँ, लेकिन सही में ये कोर्ट और कचहरी में कोई जान नहीं रही, और जहाँ भी सुनाया जाता है
वहां तो हम लड़ी रहे हैं, स्पेस को इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पर आज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अपने इंटेलेक्चुअली नहीं आइडियोलॉजिकल सेंटर्स होने ही चाहिए यूनिवर्सिटीज, और क्या होगी यहाँ अगर एक स्पेस अवकाश न रखने का उन्होंने तय किया है, उनके परिवार के एक ही ऑर्गेनाइजेशन को पूरे यूनिवर्सिटी का कैंपस दत्तक दिया जाए, ऐसा अगर उनका मानना है, इसमें कोई अम्बेडकराइट्स, कोई गांधीवादी, कोई मार्क्सवादी, कोई माओ के भी कंटिन्यूस रिवोल्यूशन की बात सोचने वाले या और भगत सिंह को मानने वाले कोई भी रहे नहीं, ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो उनकी बड़ी भूल है, ये आप लोग दिखाते हैं। और मुझे मालूम है कि अपने बीच में भी बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग विचार होंगे, पर वो एक आज़ादी ही, आज कह रही थी मैं कि कल हम लोग स्वराज शब्द किसानों के, आदिवासियों के लिए, शहरी गरीबों के लिए जो इस्तेमाल करते जा रहे हैं वो भी राष्ट्रद्रोह का प्रतीक कल से माना जा सकता है। कौन सा शब्द राष्ट्र विरोधी माना जाएगा, जैसे हमारे दृष्टि से विकास कई बार माना गया है कि ये राष्ट्र विरोधी है, ये विकास विरोधी विकास है, वैसे आज इस देश में ऐसी अवस्था पैदा हुई है। इसलिए रोहित को रहा नहीं गया, पर आपने उसकी प्रेरणा, उसकी ज्योत, जैसे ऐसे हादसे के बाद घर के कोने में जला के रखते हैं दिया, पर आपने पूरे देश को साथ में लेकर एक उजाला लाया है, वो उसी की प्रेरणा से जलती हुई ज्योति है, मशाल है, ये हम मानते हैं। आज आपके ऊपर जो हल्ला हुआ उसकी पूरी हकीकत अभी मैंने डिटेल्स में सुनी, मतलब उदय भानु जैसे कि एक कृति भी सरकार को इतनी डराती है खाना खिलाने की, तो और कुछ तो कहा ही नहीं जा सकता। और ये पूरी उनकी, मैं फिर कहती हूँ कि एक तैयारी दिख रही है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को भी एक रणांगण, एक बैटल ग्राउंड बना देना। पर जिस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है, अभी मीटिंग में एक सुझाव मैंने रखा कि हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी और देश भर जितने भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे परिवर्तनवादी है और हर क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की मंजिल, इसका ब्यौरा लेकर ही लड़ रहे हैं, संघर्ष या निर्माण में लगे हुए हैं, उन सब ने यहाँ HCU के सामने एक एक दिन एक एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेरा डालना चाहिए और अपने अपने उठाए हुए राष्ट्रीय या स्थानिक मुद्दों को इस मुद्दे और आंदोलन के साथ जोड़कर बात रखनी चाहिए। ये जो संवाद होगा वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय जन आंदोलन फिर से खड़ा करने तक जा सकता है। अभी चलो HCU के दिन शायद हम लोग पहुँचे, नहीं भी पहुँचे, वापस लौटने के बाद बहुत सारी केसेस लगी हुई है, लेकिन हम आपके साथ हैं। इस बर्बरता की और इस प्रकार की एक गुलामी की हम धिक्कार करते हैं। आप लोगों ने अपनी शिक्षा, अपने परिवार के तत्काल के मंजिलों को बाजू में रखकर, जो बड़ी मंजिल सामने रखकर ये चलाया है, उसके सामने हम लोग सही में आपको अभिनंदन करते हैं। पर रोहित अगर यहाँ होता तो जो नेतृत्व उनके साथियों ने दिया होता ही, वो नेतृत्व की झलक आप सब में भी है और इस सामूहिक नेतृत्व के साथ आपका एक सही जनतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा करना बहुत लंबी दूरी तक संदेश जा रहा है। मैं अभी वही कह रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर पाए। वो पॉस्को के आंदोलन को कर सकते हैं, वो नर्मदा के आंदोलन को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अथकंडे अपनाए हैं इन लोगों ने, लेकिन आपके आंदोलन की दखल उनको लेनी पड़ी, जैसे पुरस्कार वापसी की दखल उनको लेनी पड़ी। वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ तो भी वो एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों का, साहित्यिकों का, परिवर्तनवादियों का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो वैसे ही ये विद्यार्थी युवा आंदोलन और ग्रामीण युवाओं तक भी पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से इस आंदोलन से अभी हमारी भी बहुत अपेक्षा है। हम आपके साथ हैं ये कहने के लिए आकर मैं आपसे ही अपेक्षा व्यक्त कर रही हूँ, माफ़ करना, लेकिन इसलिए क्योंकि देश की जो पूरी स्थिति बहुत भयावह गतिमानता से बदल रही है,
न्यायपालिका में हम देख रहे हैं कि कौन सी केस किसके सामने आए, किसको बोलने नहीं दिया जाए, कैसे झूठे शपथ पत्रों को ही सरकार के सराहा जाए, वो भी चीफ जस्टिस से। ये बहुत ही भयंकर बात है। मैं अभी अभी उसको महसूस करके और खुद कानून से सुन के आई हूँ। तो ज़रूरी है ये कहना कि आप लोगों के आंदोलन से ये बहुत आशा और विश्वास है कि आप व्यापक नज़रिए से बहुत सारे बदलाव को एक्सपोज कर दीजिए, पोल खोल कर दीजिए। किसानों की आत्महत्याओं के साथ रोहित वेमुला की आत्महत्या को भी जोड़ दीजिए, और दोनों हत्याएं हैं, साजिश भरी है, इसको उजागर कर दीजिए। और जात और मजहब के नाम पर विभाजन, ये तो इस देश को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात भी हमारे और आपके आवाज़ों से उठने दीजिए ताकि कोई संदेश जाए। वोट बैंक का जो भी पॉलिटिक्स हो, आपका ये जन आंदोलनों की राजनीति जिसका हम हिस्सा मानते हैं, पार्टियों के लीडर्स अंदर आएंगे, उनका समर्थन ज़रूरी है, पर मुझे लगता है पीपल्स पावर, पीपल्स पॉलिटिक्स, पीपल्स विजन ऑफ डेवलपमेंट, पीपल्स विजन ऑफ व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ नॉट, ये आपके मुंह से देश सुनना चाहता है। जैसे कन्हैया कुमार बोल रहा है, रोहित की आवाज़ भी गूंज रही है, भगत सिंह के वो शब्द जस्टिस सिंघवी के जजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। मतलब कोई हिंसा के पक्ष में नहीं होते हैं कोई, हम तो फांसी के भी खिलाफ हैं, ये अभी भी स्पष्टता करनी पड़े। ये बनी बनाई शासन से फांसी तो मर्डर ही होता है, और क्या होता है। तो अपनी एक पूरी अहिंसा की, सत्याग्रह की, सादगी की, स्वावलंबन की, एक लंबे दूर तक खींचने वाले परिवर्तन की बात को लेकर आपका ये आंदोलन और हमारे तमाम जन आंदोलनों के समन्वय से कुछ एक नई दिशा, नई जनशक्ति, नया जनतंत्र उभरेगा, ये विश्वास करते हैं। पूरा भेदभाव और गैर बराबरी की खिलाफत दलितों ने जो भुगती है, उसके आगे आज समाज के जो विविध तबके विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित की लड़ाई में हो, या आदिवासी विरुद्ध आक्रमण करने वाले नए कॉरपोरेट जमींदारी की लड़ाई हो, हर मुद्दे पर ये जो गैर बराबरी हावी हो रही है उसको भी उजागर करने का यही समय है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम फिर आएंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा समय HCU में नहीं बिताते हैं, पर समय आएगा तो इस कैंपस में हम कैसे भी पहुंच जाएंगे। आज मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि कल मुझे ही एक क्रिमिनल केस में, अब तीसरी बार है मैं जाऊंगी नहीं तो हमारी एडवोकेट तो मुश्किल में आएगी, नहीं तो मैं बहुत उसको कह रही थी, तो मुझे हाजिर रहना है किसी कोर्ट के सामने कल ही, इसलिए जा रही हूँ। पर हमारे तमाम जन आंदोलनकारियों के साथ, अगर आपने ये लंबा आंदोलन का एक नक्शा बनाया तो उस नक्शे में हमारा एक बिंदु नहीं कई बिंदु ज़रूर होंगे, और उससे एक चित्र बनेगा इस देश में। मैं रोहित को श्रद्धांजलि नहीं कार्यांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जो आने वाले दिनों में होती जाएगी। हमारे गरीब बस्तियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो निर्माण मजदूर हैं, अधिकांश दलित और अल्पसंख्यक हैं, उनकी महारैली 5 तारीख को बम्बई के रास्ते पर निकलेगी। उन तमाम लोगों के ओर से और नर्मदा आंदोलन के 214 किलोमीटर तक के 244 गांव और एक नगर को अब जल समाधि देने की पूरी तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। उन तमाम आदिवासी किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरों की तरफ से आपको सलाम और समर्थन। We would like to request Meena ma'am to please release the poster for Chalo HCU on the 16th of April. कैंपस छोड़ो अप्पा राव जी, आपको अगर जमा नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना, ये अप्पा राव जी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, संवाद करने आई थी, आज तक हमने किसी भी सामने वालों से संवाद ही करने के बाद संघर्ष किया, लेकिन आपने यहाँ रोक दिया तो अब बाहर से ही संघर्ष होगा।
और आप तक ये पहुंचाना केवल चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी और आपकी इनसिक्योरिटी के बीच में हम खड़े हैं। और आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस विवाद को निपटना संभव नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते, या आप उसकी क्षमता नहीं रखते, तो आप कृपया जो बीच में वाइस चांसलर आए थे, क्या नाम उनका, उनको जगह दे दीजिए, खुद होकर हट जाइए। बड़े से बड़े राजनेता भी कभी हट जाते हैं, अपना इस्तीफा स्वीकार करवाते हैं। तो आपको कोई खींच के तो निकालने वाले यहाँ बैठे नहीं हैं। आपको बहुत ही विनम्रता से कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं बनेगा इस कैंपस को, तो आप हट जाइए। नहीं तो हम सब लोग, हमारे साथीगण, बहुत सारे बुद्धिजीवी और श्रमजीवी एकता के साथ इस यूनिवर्सिटी कैंपस का कब्जा लेने के लिए 6 तारीख को पहुंच जाएंगे। तो 6 अप्रैल, चलो एचसीयू, 6 अप्रैल, चलो एचसीयू, 6 अप्रैल, चलो एचसीयू, 6 अप्रैल, चलो एचसीयू, और हर दिन चलो एचसीयू, हर दिन चलो एचसीयू, हर दिन चलो एचसीयू, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, रोहित आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पूंजीपतियों की जागीर नहीं ये देश हमारा है, पूंजीपतियों की जागीर नहीं ये देश हमारा है, जिंदाबाद। बहुत देश का संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश का संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। People who have been deprived of their lives, struggles are linked with the other Adivasis struggling in Narmada Bachao Andolan. Our struggles are linked with centuries of Dalit Bahujan struggles and student movements and struggles for equality. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। ये बूढ़ों ने क्या निकला? आप भी कहते हैं। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। सॉरी आई कैन नॉट स्पेंड एनी अच्छा दत्तात्र जेल रिटर्न ओके सो लेट्स कीप सिटिंग हियर फॉर अनदर फ्यू मिनट्स डोंट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु आर नॉट इन स्पोकन हु आर अरेस्टेड विल बी एड्रेसिंग अस लेट्स फिनिश अ पब्लिक मीटिंग हियर लेट द एडमिनिस्ट्रेशन लिसन लेट द पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु हैव कम लिसन टू व्हाट वी हैव टू से लेट्स स्टे फॉर सम मोर टाइम एंड लिसन आउट टू आवर फ्रेंड्स प्लीज प्लीज सिट डाउन विल कंटिन्यू द पब्लिक मीटिंग